नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे। और जो बच्चे सीटेट के एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई किए हैं, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम देंगे और अच्छे अंक से उत्तीर्ण भी होंगे। प्रभु से यही दुआएं रहेंगी कि आप सभी पास हों और अच्छे अंक उत्तीर्ण करें। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात करें, अपने उत्तर प्रदेश के लिए और बिहार के लिए भी बात कर लेते हैं, बिहार में जो यूपी टेट होते हैं और प्लस वहाँ पे जो सीटेट होते हैं ना, तो उसके अंक भी उसमें जोड़े जाते हैं बिहार के लिए। अगर कोई एक तरह से वहाँ पर मतलब कोई भर्ती आती है, तो शिक्षक भर्ती आती है प्राइमरी या फिर जूनियर की जो भी, तो वहाँ पर जो है कि वो चीज़ें जोड़ने को उनको देखने को मिल जाता है कि हाँ जोड़ना है भाई, ये नंबर जोड़ने पर होता है। अब ऐसा कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, हालाँकि बाद में हो सकता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़े, क्योंकि हो सकते हैं एकेडमिक मेरिट ख़त्म हो जाए। और इस वजह से मैं हमेशा आपको यह बार बार कहता हूँ, जब भी मैं गुणांक का वीडियो बनाता हूँ तो ये बार बार कहता हूँ कि हमेशा मेरा फोकस रहना चाहिए कि मुझे पास नहीं होना है। वैसे जनरल वाले बच्चे, हम जनरल वाले बच्चों के लिए तो मात्र नंबर मतलब 90 नंबर लाना होता है, और जो ओबीसी एससी एसटी होते हैं उनको एक तरह से कह लीजिए कि 82 मार्क्स लाने होते हैं, 82 नंबर लाने होते हैं। तो ऐसे में हमें यह चीज़ फोकस करके रखना है कि हमें पास करने हैं, और सीटेट पास करना सबसे आसान काम है। जो हमारे भाई बहन पहली बार दे रहे हैं, मैं बता देता हूं उनको, पहले मैं किस पे बात करने वाला हूं, सीटेट फर्स्ट टाइम और सीटेट एग्जाम के ऊपर डेट पर बात करेंगे। और आप सभी लोग सुपर टेट के बारे में जानना चाहते हैं कि भर्ती कब तक आएगी, इसकी क्या क्या रवैया है, इसके सरकार की क्या रुख है सरकार का इस पे, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, भर्ती निश्चित रूप से आएगी। इसमें कोई भी डरने की या भी घबराने की बात नहीं है। आप सभी रात में क्लास होता है डेली बेस, मतलब जो भी डाउट क्लास होते हैं बच्चों के, उस पे मैं लेता हूं। वैसे कहेंगे तो बीच में मैं एक तरह से कह लीजिए कि एक इन्फॉर्मेशन के लिए छोटा सा वीडियो क्लिप ला दूंगा सुपर टेट के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो एमसीडी का चुनाव हो रहा है, वहाँ पर दबाव काफ़ी ज़्यादा भयंकर रूप से बन चुका है बीजेपी के ऊपर, तो चीज़ें हमें जरूर हमारे पक्ष में देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सीटेट के फर्स्ट टाइम बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको ये चीज़ दिमाग में रखने हैं कि रटना नहीं है मुझे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कोहलबर्ग थ्योरी हो गया, जिन प्याजे थ्योरी हो गया, और जिन प्याजे के मतलब जो जितने चरण हैं, और प्लस आपके वाइगोत्स्की के जितने सामाजिकता का सिद्धांत है, जो तो यह जो दो तीन नाम है ना, इसको बहुत अच्छे से आप रट ले जाइएगा। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं हो किसी चीज़ को समझ कर, या बच्चों को किस प्रकार हैंडल करने हैं, और थोड़े से कीवर्ड होते हैं जो टैग वर्ड होते हैं, अगर वह सबसे नॉलेज है आपको, समझ लीजिए 75 से 80 नंबर आपको केवल पैडागॉजी से चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर 75 से 80 नंबर अगर आप इधर गेन करते हो, तो जाहिर सी बात है उसमें भी आप कुछ ना कुछ नंबर लेकर आओगे। मात्र ऐसे ही बच्चे नहीं पा जाते हैं 130 नंबर 140 नंबर, उनको एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थ्योरी, वो बहुत रट्टू नहीं होते हैं, ना ही किसी चीज़ को रट कर जाते हैं। रट कर तो कोई ला ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना, कोई इंटर का या फिर 11th का या फिर 12th का या फिर बीटेक का, बीए बीएससी का, ये सब एग्जाम नहीं हुए कि रट कर जाओ और ला दो अच्छे से नंबर। नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब आप आ रहे हैं सुपर टेट की लड़ाई में, तो अभी से दो चीज़ें हैं हमें समझ कर चलना पड़ेगा। और यह सब जो थ्योरी हैं, यह बार बार थोड़े से देखने पड़ जाते हैं, 4 या 5 थ्योरी हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमने थ्योरी के सारे लेक्चर ले लिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सीटेट के फर्स्ट टाइम बच्चे एग्जाम जो देने जा रहे हैं, बिल्कुल ना डरेंगे, नहीं डरना है, उनका क्लियर होगा, निश्चित रूप से क्लियर होगा। यह चीज़ें वो अपने दिमाग में रख कर लेकर चलें। अगर आप अभी तक प्रैक्टिस सेट भी नहीं शुरू किए हैं ना, लास्ट के अगर एक हफ्ते भी प्रैक्टिस सेट शुरू कर सकते हैं तो शुरू करिएगा। आप बिल्कुल मतलब जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसे जरूर सॉल्व करिएगा, उसमें कम से कम 10 या 12 प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अगर उसे आप सॉल्व कर ले जाते हैं पूरा का पूरा, एक तरफ से पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, तो मात्र मान लीजिए उसमें से आपको IIGTs वही के सारे प्रश्न 60 से 70 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, IIGTs प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करके जाइएगा, और इनको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जो मैंने आइडियाज़ दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, अब मैं देखिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए सेल्फ स्टडी पे। सेल्फ स्टडी के लिए आपको अलग अलग, जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी ऑनलाइन टीचर से कोर्स वगैरह ना खरीदें, क्योंकि आपका मानसिकता है, आप उसको ले सकते हैं, जो आपको टीचर अच्छे लगे उनके कोर्स वगैरह लेकर आप पढ़ सकते हैं। खैर, जो चीज़ें होती हैं, जैसे अपने से आप सेल्फ स्टडी करने का प्रयास किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि अगर कोई बुक है एफर्ट कर दें, प्रीफर करें कोई बुक अच्छा कोई बुक ले लें, उसको बहुत अच्छे से चार्ट जाएं एक तरफ, जैसे कि मैं लूसेंट की बात करूँ, लूसेंट अच्छे से पढ़ डालिए, फिर लूसेंट का ही प्रैक्टिस सेट आता है उसे लगाइए, तो इस तरह से तो आप उन बच्चों से तो आगे रहेंगे। वैसे तो देखने को तो जमाना देख रहा है वो वीडियो, और ऑनलाइन कोर्सेस ले रहे हैं, तो जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे वो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें, और सेल्फ स्टडी के बिना मुश्किल है, ठीक है ना, ये चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा।
सीटेट एग्जाम डेट है। देखिए सीटेट एग्जाम डेट एक तरह से बहुत बड़ी अब बच्चों के मन में डाउट बन के बैठा हुआ है। देखिए सीटेट एग्जाम डेट वह अगर आप उनका ऑफिशियल डेट देखेंगे, ऑफिशियल जो उनका नोटिस है उस पर अगर लिखा हुआ आप देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ उस पर एक तरह से मेंशन है कि दिसंबर के एंड से लेकर जनवरी के मिड तक या फिर जनवरी के लगभग लास्ट वीक तक ये एग्जाम कराकर समाप्त कर देंगे। अभी तक इस पर डाउट हो गया था बच्चों को, इस तरह सभी टीचरों को भी डाउट हुआ था कि शायद ये एग्जाम इस समय नहीं करा पाएंगे क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो बाद में पता चला हेडक्वार्टर से, उनके सीबीएसई के हेडक्वार्टर से दिल्ली से पता चला कि भाई हाँ ये चीज़ें यह करवाएंगे, अब इनके अधिकारी खुद दावा कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग को लगा कि भाई 8 से 10 दिन बचे हैं, कैसे नोटिफिकेशन निकाल देंगे, फिर एग्जाम कैसे करा लेंगे। तो देख लीजिए एग्जाम 24 तारीख को क्लोज हो चुका है, अब 13 तारीख तक पता है एग्जाम क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिन बच्चों के मतलब फीस कट चुके हैं अभी तक, तो 5 तारीख तक हुआ तो अपडेट ही चल रहा था, मतलब एक तरह से जिसका करेक्शन था वो करेक्शन वगैरह कराया 5 से 6 तारीख तक। इसके बाद 13 तारीख तक ऐसे बच्चों का करेक्शन हो रहा है जिनका फीस कट गया है लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा है, तो 13 तारीख तक ऐसे बच्चों के वो करेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे, इस वजह से एग्जाम डेट निकाले नहीं जाएंगे अभी, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना 13 तारीख से पहले यह तो निश्चित है। और रही बात 16 तारीख को भी एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम नहीं होंगे आपको जब 16 तारीख एग्जाम नहीं होंगे, 16 से 17, 18, 19, 20 को एग्जाम नहीं होंगे, भाई इतने जल्दी थोड़े एग्जाम हो जाते हैं, 13 को आप करेक्शन कराओ और 16, 17, 18 से एग्जाम ले लो, तो ऐसे नहीं होगा। जब भी आपके एग्जाम होंगे इतना दिमाग में रख लीजिएगा 25 या 26 इन्हीं दोनों डेट में से आपके एग्जाम शुरू होंगे, 25 को या फिर 26 को एग्जाम डेट हमारे अनुसार शुरू हो जाने चाहिए एग्जाम आपके, और मिड तक यानी कि करीब 20 जनवरी तक ये समाप्त होगा एग्जाम, 20 से 22 जनवरी तक, 25 भी जा सकता है तो 20 से 22 जनवरी तक, क्योंकि इनका मनसा है पूरा का पूरा कि 25 से 26 दिन में एग्जाम पूरा कंप्लीट कराना है इनको। और मैक्सिमम बच्चे हैं, पिछली बार 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, मतलब 42 दिनों तक एग्जाम चला था, इस बार 25 से 26 दिन में आपके एग्जाम कंप्लीट कराएंगे। तो जाहिर सी बात है अब घबराने की बात नहीं है, जिन बच्चों का एक स्टार्ट होगा वो तो देंगे ही देंगे, इसमें डीएलएड वाले बच्चे फंस रहे थे थोड़े से, लेकिन डीएलएड वालों के लिए भी इंतजाम है, 24 तारीख उनका एग्जाम मतलब खत्म हो जाएगा फाइनली, वो भी इसमें बहुत अच्छे रूप से सम्मिलित हो पाएंगे, किसी बच्चे का एग्जाम छूटेगा नहीं। तो 25-26 से आप लोग तैयार रहें, और जो भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को 21 से स्टार्ट होगा, 16 से स्टार्ट होगा, बड़े बड़े टीचर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान तो कहाँ से कर रहे हैं, किस चीज़ों को देख कर रहे हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो ऑफिशियल है, जो ऑफिशियल मेंशन है, ये चीज़ें यही मेंशन है, उन्होंने पागल थोड़े बनाया है बच्चों को कि 25 दिसंबर से जनवरी के बीच में एग्जाम कराया जाएगा। भाई दिसंबर उनको अगर नहीं लिखना हो, दिसंबर से एग्जाम नहीं कराने होते, जनवरी से ही एग्जाम कराने होते तो दिसंबर लिखते ही कहें भाई, वो डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे कि जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा और जनवरी में ही खत्म हो जाएगा या फिर फरवरी में जाकर खत्म होगा। तो ये चीज़ें थोड़े से निकल के आ रही हैं सामने, जो अपने तरफ से मैंने एक तरह संज्ञान अपना मतलब उसमें डालकर बताने का प्रयास किया आपको, तो यही चीज़ें आ रही हैं निकल के। मैंने ऑफिशियल उनका डाटा भी चेक किया, प्लस सरकारीRESULT.COM पे भी देखा मैंने, और प्लस क्रोम वगैरह पे अगर आप देखेंगे तो फालतू फेक होता है, वो तो लिखता है कल से ही स्टार्ट हो गया सीटेट का एग्जाम, लेकिन जब उस पर क्लिक करो तो पता चलता है कि भैया लिखा है, पता नहीं क्या लिखा रहता है, फिर लिखा रहेगा सीटेट के एग्जाम आने वाले समय में फला फला डेट से सरकार के कहने से स्टार्ट होगा, तो ये चीज़ें लिखी रहती हैं उसमें। लेकिन जो चीज़ें हेडलाइन जो होती है ना उसके अंदर भी जाकर सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो वह सही चीज़ बताया गया होता है, लेकिन हेडलाइन इस प्रकार लिखे होते हैं कि उस पर क्लिक किया जाए, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं इस बात को। तो आपको डरना नहीं है, 25 या 26 आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जोर से तैयारी करते रहें, अभी भी जिनकी तैयारी नहीं हुई मात्र 7 दिन के अंदर आप तैयारी कर सकते हो भरपूर रूप से। और जो आपको यह कह रहे हैं कि UPTET पढ़ के जाओ CTET दे लो ना, तो उनके दिमाग में कचरा भर चुका है, UPTET के बेस पे आप CTET कभी नहीं निकाल सकते, ना ही CTET के बेस पे UPTET निकाल सकते हो, यह चीज़ें कभी नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ SuperTET की मैं बाद में बात कर लूँगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का, और अगर कोई डाउट हो CTET से संबंधित तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो तो आप पूछ सकते हैं। और रही बात CTET के जो थ्योरेटिकल प्रश्न है ना, मैथमेटिक्स के जो 15 क्वेश्चन हैं आपके, पेडागॉजी वाले नहीं, मैथमेटिक्स के पेडागॉजी 4 या 5 वीडियो मैंने डाला हुआ है, क्योंकि हमने जोर शोर से फिर इधर UPTET का तो सारा लेक्चर खत्म हो चुका है, SuperTET पे हम लग चुके हैं। तो ये वाली चीज़ें मैं मतलब जो आपके थ्योरी वाले प्रश्न है, थ्योरेटिकल प्रश्न है, मतलब कि जो सिद्धांत वगैरह हैं, जिन प्याजे का हो गया, जैसे वाइगोत्स्की का हो गया, गोलबर्ग का हो गया, है ना, यह सब मैंने डाल रखा है मात्र 5-5 मिनट 6-6 मिनट का, उसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके। धन्यवाद।